हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू टेक्स बुक बैंकिंग कैसे हो आप सब लोग और मैंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट सेक्शन में शायद आपको कंफ्यूजन हुआ होगा हाँ मैं ही था वो क्वेश्चन पूछने वाला एग्ज़ाम कैसे हुआ हाउ वाज़ योर एग्ज़ाम कल काफ़ी लोगों का एग्ज़ाम था यस जल्दी बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर कि एग्ज़ाम कैसे हुआ आर यू सैटिस्फाइड योर परफॉर्मेंस और नॉट वॉट डू यू थिंक Uh, देखिए अटेम्प्ट कितना हुआ ये मेरा क्वेश्चन कभी नहीं रहता है मेरा क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि आपकी एक्यूरेसी लेवल कितनी थी जब आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया तो 100 परसेंट कॉन्फिडेंस के साथ कितने क्वेश्चन सॉल्व किए ये सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो यस yes, जितने भी लोगों ने एग्जाम दी होगी कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा कि हाउ वॉज योर एग्जाम एक क्वेश्चन है हमारे दोस्त ने बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा आ, सौमिता पंडित यस देखिए क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल हमने एग्जाम दे दिया फिर हम प्रिपेयर कर रहे थे वॉट कभी कभी हमारा परफॉर्मेंस हमारे हिसाब से बहुत वीक हो जाता है या फिर एग्जाम के सिनारियों से हमारा परफॉर्मेंस बहुत वीक हो जाता है और कॉन्फिडेंस तो लो होता है नो no डाउट सबसे पहली बात जब आपका परफॉर्मेंस वीक हो रहा है जब आप सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो या फिर आ, पेपर आपका अच्छा नहीं गया रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप ब्लेमिंग खुद को ब्लेम करना दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दो नो डोंट ब्लेम एनी वन खुद को भी नहीं ब्लेम करना है कि भाई मेरी गलती थी मैंने ऐसा करना चाहिए था, ठीक है वॉट एवर एपन या फिर नोट्स की गलती थी या किसी क्लास की गलती थी या दोस्तों की गलती थी फैमिली वालों की गलती थी स्टॉप ब्लेमिंग एनी वन किसी को ब्लेम नहीं करना है एक स्मार्ट परफॉर्मर के तरह ध्यान दीजिए कि कहां गलतियां हुई है ब्लेम करने से कोई फायदा ही नहीं है टाइम की बर्बादी होती है गुस्सा आता है फ्रस्ट्रेशन आता है इट्स बेटर गलतियां हुई है हाँ चलो गलती हो गई एक्सेप्ट कर लिया गलतियां कहाँ हुई फाइंड आउट करना जरूरी है मैं क्या पढ़ रहा था मैं क्या पढ़ रही थी एग्जाम को क्या रिक्वायर्ड था एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए थे मैं परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया क्यों नहीं कर पाई कहीं ना कहीं गलती तो हुई होगी हम ये नहीं कह सकते हमेशा कि मेरा हंड्रेड परसेंट था फिर भी एग्जाम गलत हुई कहीं ना कहीं छोटी सी माइन्यूट गलती होगी उस गलती को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है और जैसी गलती फाइंड आउट होती है वर्क ऑन दैट मिस्टेक उस मिस्टेक पे काम कीजिए राधा देन टॉकिंग अबाउट द पेपर की पेपर इस बार का ऐसा ही था वैसा ही था ये हुआ वो हुआ ये ये चलता है वो चलता है इन सब चीजों में टाइम बर्बाद करने से अच्छा जस्ट वर्क ऑन योर वन थिंग एंड द थिंग इज दैट कि कहां पे गलती हुई इससे ना आपका जो मेंटल बैलेंस है वो बना रहेगा के okay. और आपका फोकस ये पढ़ाई के तरफ रहेगा आप फालतू की बातों में नहीं सोचते रहोगे और आपका लो कॉन्फिडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा मैं हमेशा कहता हूं कि मोटिवेशन करने के लिए किसी के लेक्चर या किसी के कोट पढ़ने की जरूरत नहीं है मोटिवेशन आपके पढ़ाई से आपके पास आएगा तो बस वहां पर ध्यान रखिए एक बेटर ऑफिसर देखिए फेल्यूअर्स आएंगे गलतियां होगी मिस्टेक्स होगी उससे वापस एक बार खड़े होकर आगे बढ़ना यही हमारी जिम्मेदारी है ध्यान रखिएगा ठीक है तो दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओके okay, चलो बहुत अच्छा आप लोगों ने काफी अच्छे फीडबैक्स दिए दे देखिए अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा वन थिंग आई अगेन वांट टू डिस्कस विथ यू पीपल आपने पेपर दे दिया अटेम्प्ट कम हुए ज्यादा हुए एक्यूरेसी कम हुई ज्यादा हुई वॉट अभी मेंस की तैयारी कीजिए काफी लोग ये सोचते हैं कि सर रिजल्ट तो आने देते हैं उसके बाद देखेंगे सर पेपर क्या होगा क्या नहीं हमें नहीं पता तो रिजल्ट के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे मत करना ऐसा देखिए प्रोसेस होती है भले ही रिजल्ट निगेटिव आए या भले ही रिजल्ट पॉजिटिव आए अभी से मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दो अगर सपोज रिजल्ट निगेटिव आया पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होती है जब आप पढ़ाई करते हो ना इस टाइम फ्रेम में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा फोकस से होती है तो पढ़ाई अच्छी होगी उसका फायदा ही होगा सो फॉलो द प्रोसेस रिजल्ट के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो और जोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे या पहले की हुई पढ़ाई बर्बाद नहीं होगी उसका फायदा होगा सपोज रिजल्ट निगेटिव आता है तो सेल्फ एनालिसिस करेंगे कहाँ गलतियां चेक करेंगे और जहां गलतियां हुई थी उससे हम आ, आ, उसको हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कुछ बर्बाद नहीं होगा तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते बिकॉज आगे पीओ का भी एग्जाम्स है एस के फॉर्म निकलेंगे नाबार्ड की एग्जाम्स आ रही है तो ये सारे एनालिसिस का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है ध्यान रखिएगा ठीक है सो फॉलो द प्रोसेस प्रोसेस को फॉलो करो और अच्छे से पढ़ाई करो चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को यस कोस सुपर कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है और सुपर कोचिंग के अंदर आपके पास मल्टीपल एग्जाम्स है और एग्जाम्स का प्रिपरेशन आप सुपर कोचिंग के थ्रू कर सकते हो। यहां पे मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल है तो जिस किसी फैकल्टी से आपको स्टडी करना है उस रिस्पेक्ट टू एग्जाम के लिए आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर सारी स्टडीज का मौका मिलेगा ये कोड यूज करना मत भूलिएगा जो आपको डिस्काउंट देगा सबसे पहले हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स से स्टार्ट करते हैं कल का दिन एक्चुअली वीकेंड कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए काफी अच्छा रहा फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बड़े अमेजिंग मेडल्स इंडिया को मिले बड़ा प्राउड मूवमेंट है तो आ, एक गोल्ड है हमारे पास डबल्स टेनिस टेबल टेनिस मिक्स डबल्स के अंदर श्रीजा एंड शरद कमल बोथ गॉट द गोल्ड मेडल यार इनसे भी सीखना है स्पेशली शरद कमल साहब से सीखने जैसा बहुत है ऐसा नहीं कि इनके पास सडनली सक्सेस आया सक्सेस अभी अभी इनके पास आया हुआ है ही स्ट्रगल अ लॉट थ्रू आउट हिज लाइफ ऐसे बहुत सारे गेम्स थे जहां पे शायद पहले राउंड में शरद कमल साहब बाहर भी हुए थे बट कंसिस्टेंसी ये हमेशा रिजल्ट देती है नाउ ही इज हैविंग द गोल्ड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स तो वन ऑफ द बिग एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा नेक्स्ट गोल हमारे पास है नन अदर देन जरीन यस इंडियन बॉक्सिंग का बड़ा बेहतरीन सा फेमस सा एक नाम है एंड शी अगेन गॉट द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया 50 केजी कैटेगरी के अंदर इनके पास गोल्ड आया है uh, चलो एक तीसरा गोल्ड देखते हैं वापस एक बार uh, <coughs> बॉक्सिंग के अंदर अमित पंगाल के ही गॉट द 51 वन के जी कैटेगरी द गोल्ड मेडल अगेन अ वंडरफुल प्लेयर अ डेडिकेटेड सिंसियर प्लेयर सो इनसे भी सीखने जैसा बहुत कुछ है एंड अनादर गोल्ड विच वी हैव नीतू सो शी गॉट द गोल्ड मेडल इन फोर्टी एट के जी बॉक्सिंग यस बॉक्सिंग वेटलिफ्टिंग रेसलिंग इन तीनों इवेंट्स में इंडिया का बोलबाला बहुत जबरदस्त है अगर कॉमनवेल्थ में शूटिंग भी होता ना तो और गोल्ड की लाइन लग जाती पर कॉमनवेल्थ में शूटिंग और आर्चरी नहीं होता अगर ये दो गेम होते तो अगेन कम से कम एक सात आठ गोल्ड तो और ऐड हो ही जाते इंडिया के टैली में अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं रखा हुआ है तो ये एक पॉइंट वहां पर भी ध्यान रखिएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट गोल्ड है ट्रिपल जंप में इंडिया के पास दो मेडल्स है, गोल्ड एज सिल्वर बस कुछ कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस था नहीं तो इंडिया के पास तीनों मेडल होते गोल्ड आ, सिल्वर और ब्रॉन्ज इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पे हमारे प्लेयर्स ने दिखाया हुआ है सो इल्डोस पॉल की बात करेंगे ही गॉट द गोल्ड मेडल और इन्हीं के साथ सिल्वर मेडल मिला हुआ है आ, ए सॉरी अबू कैर ही गॉट द गोल्ड सिल्वर ओवर सो एक्चुअली बस कुछ पॉइंट का डिफरेंस रहा था नहीं तो ब्रॉन्ज भी हमारे पास आता तो बेसिकली ये टूर्नामेंट में तीन इंडियन प्लेयर आपस में ही कंपटीशन कर रहे थे यही चाहिए हमें वी एक्चुअली रिक्वायर्ड दिज आपको अपने शायद अविनाश साबले साहब का नाम सुना होगा अभी स्टीपल चेस के अंदर उनको सिल्वर मिला गोल्ड में केवल जीरो सेकंड का डिफरेंस था निया केनिया के प्लेयर है जिनको गोल्ड मिला और 0.05 पॉइंट है कोई भी टूर्नामेंट देखिए हमेशा केनियंस जीतते हैं हमेशा केनिया के प्लेयर नॉर्मली जीतते वहां पे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता कोई दूसरे कंट्री का प्लेयर जीते और अविनाश साबले लाइक फ्रॉम नोवेयर फॉर सरप्राइज फॉर एवरी वन एवरी वन ही लाइक लिटरली गिव द टफ कॉम्पिटिशन उस बंदे से सीखने जैसा है लाइक वो ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे कोई दूसरे कंट्री का जीत नहीं सकता तो लोग बहुत बार पार्टिसिपेट भी नहीं करते लोग लिटरली पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि यार केनियंस को जीत आ, हराना बहुत डिफिकल्ट है ये माइंडसेट से उस बंदे ने सोचा नहीं वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करते रहा एंड ही गॉट द मेडल सो अन्नाथर बिग एग्जाम्पल फॉर अस ध्यान रखेगा नो मैटर वॉट फ्रॉम वेयर यू आर यू आर कमिंग फ्रॉम यू कैन विन द मेडल फॉर द कंट्री यू कैन विन यू कैन फुलफिल यूर ड्रीम आप भी एग्जाम के लिए याद रखेगा नेक्स्ट सिल्वर की बात करेंगे तो सागर साहब है नो डाउट अबाउट दैट सिल्वर मेडल मिला थोड़े से चेहरे सबके उतरे हुए थे पूरे टीम के बिकॉज गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे केवल नौ रन से हमारा गोल्ड रह गया ये तीसरी बार हो रहा है कि हम लोग चैंपियनशिप तक पहुंचते हैं हमारी महिलाओं की क्रिकेट टीम और कहीं ना कहीं छोटा सा एक आ, इश्यू हो जाता और हम रह जाते पर इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना सेमीफाइनल्स में इज नॉट अ जोग ऑस्ट्रेलिया को इतनी टफ कंपटीशन देना केवल नौ रन से हमारी हार हुई है तो डिजर्व द करते हैंज नो डाउट सो दे गॉट द सिल्वर मेडल यस अगेन शरद कमल साहब की बात करेंगे मेन्स डबल टेबल टेनिस में ही गॉट द सिल्वर एस्टरडे विथ जी साहब एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे या श्रीकांत का नाम भी श्रीकांत ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे इस बैडमिंटन में और मेडल्स इंडिया के पास आएंगे आज चांसेस काफ़ी ज्यादा है कि और मेडल्स हमारे पास आएंगे विल टॉक अबाउट द बैडमिंटन अगेन वी गॉट द डबल्स वेमेंस डबल्स में हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है त्रिशा एंड द गायत्री एंड देन वी हैव यस दीपिका पलिकल एंड द सौरव घोषाल दे गॉट द मिक्स डबल्स ब्रॉन्ज इन स्क्वैश अगेन दिस पर्सन सौरभ घोषाल स्पेशली इनकी बात करेंगे दीपिका जी ऑलरेडी चैंपियन रह चुकी है काफी बार मिले, इस भाई की बात करे, पास है सो so, इनसे सीखने जैसे ना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका पॉइंट फाइव मार्क्स से कट ऑफ रुक जाता है जिनका पॉइंट टू थ्री मार्क्स से कट ऑफ रुक जाता है बड़ा बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत की कट ऑफ पॉइंट मार्क्स से

इंजरी, यस संदीप कुमार साहब की बात करेंगे 10,000 मीटर रेस वॉक में ही गॉट द ब्रॉन्ज मेडल यस इस कैटेगरी में एंड वेमेन्स हॉकी टीम अनादर सॉ ब्रॉन्ज मेडल गोल्ड या सिल्वर आ ही सकता था चांसेस बड़े अच्छे थे कि शायद महिलाओं की हॉकी टीम गोल्ड लेके आएगी पर सेमीफाइनल में जो गड़बड़ हो गई रेफरीज ने जो ब्लंडर uh, करवाए उस ब्लंडर के चक्कर में हमारे हाथ से मेडल कहीं ना कहीं रह गया पर उसके बावजूद जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये टीम खेली हुई है इनकी तारीफ करनी पड़ेगी अगर ऐसी कोई चीज हमारे साथ होती तो शायद इतने कॉन्फिडेंस से हम खड़े ना हो पाते नेक्स्ट डे मैच खेलने के लिए वो भी न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी टीम है उनके साथ सो स्टिल दे फॉट वेल एंड दे शोन दैट कि वो किसी से कम नहीं है दे कैन विन द मेडल और ब्रॉन्स मिला चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम गोल्ड भी आ जाएगा सो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन टू द टीम सो यस एक पॉइंट तो ये है हमारे विनर्स कल के आ, एक बार देख लेते इंडिया कहां पे स्टैंड करता है यस गाइस सो दिस इज द ऑफिशियल टैली ऑस्ट्रेलिया इज अगेन ऑन द टॉप ऑस्ट्रेलिया अभी भी टॉप में 66 गोल्ड ऑस्ट्रेलिया के पास है इंडिया न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिया था एक्चुअली बट अगेन हम पांचवें नंबर पे है फिलहाल सो so, हम एक्चुअली न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ दिए थे बट स्टिल कोई बात नहीं सो वी आर ऑन द फिफ्थ रैंक पांचवें नंबर पे आते हैं और हमारे पास अगर बात की जाए यस गाइस सो वी हैव एटीन गोल्ड एक दो गोल्ड अगर और ले लेते हैं गोल्ड हमारे पास है अगर और दो गोल्ड ले लेते तो हम न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं है फिफ्टी फाइव टोटल मेडल्स हमारे पास है गोल्ड ज्यादा मैटर करते तो ये जो रैंकिंग आती है जिसमें गोल्ड अगर ज्यादा है तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाओगे सो दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस बाय द इंडियन टीम Yes, guys. सो so, ये था कॉमनवेल्थ कल जो मैचेस हुई अब थोड़ा आगे बढ़ते थोड़े से मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं और देन विल गो टू द एमसीक्यूज ध्यान दीजिए तेलंगाना तेलंगाना गवर्नमेंट स्टार्टेड अ डिफरेंट कैंपेन हर घर तिरंगा चल रहा है हर घर तिरंगा चल रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर दिल में तिरंगा ये कैंपेन लॉन्च किया एग्जाम में ऐसे चीजों पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बहुत बार आते हैं कि हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कैंपेन को चला रही है तेलंगाना गवर्नमेंट ने चंद्रशेखर राव साहब ने अलग कैंपेन चला दिया और कैंपेन का नाम है हर दिल में तिरंगा तो ध्यान रखना दिस कैंपेन इज स्टार्टेड बाय एक्चुअली मुझे बस यही पॉइंट इस न्यूज के अंदर आपको बताना था जो इंपॉर्टेंट है देन डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ये एक सेलिब्रेशन है 8 अगस्त से 22 अगस्त तेलंगाना गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है तो ये अनादर पॉइंट फॉर द एग्जाम के तमिल साई सुंदर रंजन गवर्नर है यहां पे एंड के साहब सी है अगेन <coughs> हर दिल दिल में तिरंगा एज वेल एज डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हम बात करते ना पचहत्तर uh, uh, साल हो गए देश के इंडिपेंडेंस के लिए uh, अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो ही सेलिब्रेटिंग इन अ डिफरेंट वे इट नथिंग क्योंकि uh, थोड़ा सा कुछ अलग अगर होता है तो क्वेश्चन बन जाते हैं आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं यस yes, मैंने आपको सैटरडे को बताया था कि uh, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है और गवर्निंग काउंसिल में स्टेट्स के सीएम Uh, यूटीस के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं यह बात हमारी लास्ट टाइम हुई थी 2019 के बाद अभी मीटिंग हो रही है गवर्नेंस काउंसिल की बिकॉज कोविड 19 एंड एवरीथिंग सो यह मीटिंग कल हुआ सेवेंथ अगस्त कल नेशनल हैंडलूम्स डे भी था और इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया सुमंत बेरी साहब वाइस चेयरमैन है आप सेंटर में उनको देख सकते हो नीति आयोग के परमेश्वर अय्यर साहब सीईओ है नीति आयोग के सो so, नीति आयोग के चेयरमैन ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं और बाकी स्टेट्स के सीएम हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो वो भी थे और प्लस यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटर भी यहाँ पे थे अब इस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी दो स्टेट के सीएम ने पार्टिसिपेट नहीं किया एक तेलंगाना और दूसरे बिहार नीतीश कुमार साहब भी इस मीटिंग में नहीं आए थे और केसीआर साहब भी इस मीटिंग में नहीं आए थे वो मैटर नहीं करेगा एग्जाम के लिए जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन अब इन मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ क्या क्या बातें हुई सबसे पहले मोदी साहब ने सारे स्टेट्स की तारीफ की है कि कोविड 19 में काफी अच्छा मिलजुल के काम किया यहां पे एक वर्ड है दोस्तों जो कई बार बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है देखिए इंडिया में स्टेट्स भी है फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है इंडिया में स्टेट्स भी है सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जब सब लोग मिलजुल के कोऑपरेशन में सहकार में जब सब लोग काम करते सारे स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाता है और नीति आयोग की वन ऑफ द बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि देश में फेडरलिज्म को बनाए रखे इकोनॉमिकल फेडरलिज्म होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा सोशल फेडरलिज्म होगा उसे बनाए रखना है सोशल सोशल एंगल में इकोनॉमिकल एंगल में तो यस मोदी साहब ने उसकी बहुत तारीफ की बिकॉज मोदी साहब चेयरमैन है नीति आयोग के और क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए चलो बात कर लेते देखिए मोदी साहब ने जीएसटी को लेकर बात की है मोदी साहब ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन को हमें और बढ़ाना है हमें सही तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करना है उसको लेके और भी बहुत सारी बातें हुई जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे भूपेश बाघेल साहब है छत्तीसगढ़ के उनका एक रिक्वेस्ट है जीएसटी को लेके कि जो जीएसटी का कॉम्पेंसेशन सेज है और पाँच साल से बढ़ाया जाए से कॉम्पेंसेशन सेज कुछ एक्स्ट्रा पैसा स्टेट को मिलता है बिकॉज जीएसटी आने से स्टेट्स के इनकम कम हुए थे तो कॉम्पेंसेशन पांच साल के लिए दिया जा रहा था उसे और पांच साल से एक्सटेंड किया जाए ऐसे काफी स्टेट्स की डिमांड है तो भूपेश बाघेल साहब ने वो अपना पॉइंट यहां पर रखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके दो हजार में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी कि लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए तो इसी पॉलिसी को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की बात मोदी साहब ने की बिकॉज एजुकेशन इंप्लीमेंट स्टेट के हाथ में ज्यादा होता है तो स्टेट को बोला गया कि आप भी इसको इंप्लीमेंट कीजिए कुछ गलतियां होती है तो बताइए हमें मिलके उसमें सुधार ना करते हैं ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया दूसरा हाँ, मोदी साहब ने तीन टी दिए एक और चीज मोदी साहब ने दे दी है अब पढ़ाई कर ली पड़ेगी सो ही गेव थ्री टीज तीन टीज दिए टी, एक है ट्रेड टेक्नोलॉजी सो so, ट्रेड ट्रेड मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है ट्रेड टूरिज्म टूरिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा एंड टेक्नोलॉजी आजकल इंडिया में बहुत चल रहा है तो मोदी साहब का यह कहना है कि देश को अगर और आगे ले जाना है तो इन तीन टीज के तरफ ध्यान देना पड़ेगा वोकल फॉर लोकल ये आपको याद होगा तो इसी वोकल फॉर लोकल की बात यहां पे मोदी साहब ने की हुई है तो थ्री टीज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर सो ट्रेड टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी देन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर तो मोदी साहब बात करने वाले थे उन्होंने कहा भी था कि डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप डायवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप का मतलब है कि केवल अनाज की पैदावार करके नहीं चलेगा हमें कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर भी जाना पड़ेगा हमें ऑयल सीड्स भी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे बिकॉज मलेशिया इंडोनेशिया जैसे कंट्री से हम काफी सारा एडिबल ऑयल लाते हैं तो अगर इंडिया में ही प्रोड्यूस करते हैं तो बाहर कंट्री जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनिमल हस्बेंड्री जो एनिमल्स है हमारे पास काउ बफेलोज इनके सेफ के लिए उनके लिए वैक्सीनेशन भी हमें अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे मत्स्य संपदा योजना उसका भी डिस्कशन किया गया तो एग्रीकल्चर को लेके काफी बात हुई है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेके सो so गाइज यहां पे ध्यान रखेगा प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है काफी क्रूशल न्यूज है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग है तो क्वेश्चन तो आएंगे Uh, अभी कुछ तीन चार सीएम ने अपने मेन मेन पॉइंट रखे जब ने भूपेश भूपेश बाघेल साहब का पॉइंट बताया एक नाथ शिंदे साहब जो अभी अभी महाराष्ट्र के सीएम बने उनका यह कहना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बढ़ाया जाए एमएसपी याद है आपको 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी की बात की जाती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो और थोड़ा बढ़ाया जाए ऐसा एक नाथ शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के सीएम है उनका कहना है नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम है उनका यह कहना है उनका उनका पॉइंट बड़ा बड़ा खूबसूरत है उनका पॉइंट है कि नीति आयोग शुड बी ऑम्बुडमैन ऑम्बुड्समैन क्या होता है जिनके पास हम लोग कंप्लेंट लेके जा सकते जैसे बैंकिंग ऑम्बुडमैन होते हैं इंश्योरेंस ऑम्बुडमैन होते हैं कि सपोज बैंकों में कुछ गड़बड़ हो गई तो आप कंप्लेंट लेके ऑम्बुडमैन के पास जाओगे लोकपाल पता आपको लोकपाल बस उसी तरीके से तो वहां पे जाइए कंप्लेंट आप दर्ज करवा सकते हो बैंकिंग के लिए इंटीग्रेटेड ऑम्बुडमैन स्कीम लास्ट ईयर मोदी साहब ने लॉन्च की थी अब सपोज स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ झगड़े हो गए स्टेट के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो पटनायक साहब का यह कहना है कि नीति आयोग शुड प्ले द रोल ऑफ रेफरी शुड प्ले द रोल ऑफ ऑम्बूडमैन कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मदद कीजिए होता है कई बार कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लगाने के लिए बात करती है और स्टेट में स्टेट को पसंद नहीं होता है तो दोनों में झगड़े होते हैं कई बार आपने ममता दीदी का ये पॉइंट देखा होगा केजरीवाल साहब का यह पॉइंट देखा होगा ओडिशा के साथ भी कई बार यह प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए नीति आयोग अगर ऑम्बुड्समैन का रोल प्ले करेगी तो बड़ा अच्छा लगेगा ऐसा उनका कहना है देखते क्या होता है फ्यूचर में सो तो ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए इस मीटिंग के अंदर दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है मैंने पे न्यूज़पेपर के पूरे आर्टिकल्स डाले हुए आप जरूर गो थ्रू कीजिए आप जरूर पढ़िएगा आपको फायदा मिलेगा कि मैं आगे बढ़ता एस एस एल वी सैटेलाइट लॉन्च किया था कि वी आर लॉन्च दिस सैटेलाइट इसरो द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया पर ना इसमें प्रॉब्लम हो गई ये जो लॉन्चिंग था ये गलत ऑर्बिट में चला गया हमें सर्कुलर ऑर्बिट में भेजना था हम दूसरे ही ऑर्बिट भेज दिए तो जो सैटेलाइट लॉन्च किए थे इसके द्वारा वो किसी काम के नहीं है फेल हो गया है मिशन ऐसा इजरो का स्टेटमेंट है

तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग ये के जी पे पी एस एल होगा तो है तो एस एस एल वी वन डी वन हमने लॉन्च किया था अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह हुई कि सैटेलाइट गलत ऑर्बिट में लॉन्च हो गए इसमें दो मेन सैटेलाइट थे एक आजादी सैट था आजादी सैट uh, ये <coughs> लड़कियों ने बनाया था नियर अबाउट यस सेवेंटी फाइव डिफरेंट पेलोड्स क्रिएट किए गए थे बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स लड़कियों ने इसको किया था स्टूडेंट्स ने इसको क्रिएट किया था uh, यह तो स्पेस किड्स इंडिया इस मिशन के अंदर स्पेस किड्स इंडिया इस मिशन के अंदर आज़ादी सैट था और एक हमने सैटेलाइट इससे भी लॉन्च किया था तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट आजादी सैट ये दोनों हमने इस लॉन्चिंग व्हीकल के थ्रू लॉन्च किए थे अब प्रॉब्लम कहां पे हुई है चलो प्रॉब्लम के ऊपर बात करते प्रॉब्लम ये हुई है कि इसे हमें आ, सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करना था थ्री फिफ्टी सिक्स सिक्स किलोमीटर हमने इसको लॉन्च कर दिया इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर 356 फिफ्टी सिक्स इंटू किलोमीटर तो सर्कुलर ऑर्बिट के जगह चलो मैं आपको दिखा देता हूं क्या सीन है ये सर्कुलर ऑर्बिट है सपोज ये अर्थ यहां पे ये लॉन्च होना चाह ये हो गया इलेप्टिकल ऑर्बिट और, के अंदर लॉन्च इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा इससे हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगा ये अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है ये सर्कुलर ऑर्बिट में जाएगा तो सही तरीके से हमें अंदाज या जजमेंट आ सकते हैं। ये चला गया इलेप्टिकल ऑर्बिट में इट इज ऑफ नो यूज़ किसी काम का नहीं है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया है तो ध्यान रखिए इसीलिए देखिए अगेन दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट ये जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट है

तो कुछ मिशन सक्सेसफुल होते हैं कुछ मिशन फेल हो जाते हैं कोई बात नहीं मेहनत करना बहुत जरूरी है उसी का एग्जाम्पल यहां जल्दी लॉन्च करेंगे और उसमें ये गलती अवॉइड करने की हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे दैट्स द एटीट्यूड वी वॉन्ट इसरो के हेड कौन है उनका नाम कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दीजिएगा विल बी वेरी इंपॉर्टेंट यस गाइज नी वन यस यस अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो ये डेब्रिज यस एब्सोल्युटली अगर ये काम नहीं कर रहा है ये 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 किसी काम का नहीं तो ये debris के तरह रहे आ, ये material के तरह रहेगा एक वेस्ट मटेरियल घूमते रहेगा ओके यस एब्सोल्युटली राइट आपका पॉइंट यहाँ पे सही है यस yes, गाइस मैंने नाम पूछा था को कौन है एस सोमनाथ सर की बात करेंगे बहुत बढ़िया वेरी गुड गाइज यार जल्दी से, से सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया होगा तो शेयर कर दीजिएगा uh, <coughs> आपसे गुजारिश होगी uh, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था इफ़ देर इज इन एनी प्रॉब्लम विद द सेशन आप मुझे बता सकते हो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो uh, क्योंकि डे बाय डे द स्टूडेंट्स आर गेटिंग लेस सो यार अगर लाइव वॉचिंग ज़्यादा नहीं दिखते तो बुरा लगता है क्योंकि ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत पढ़ा रहे मेरे ख्याल से पढ़ा तो सब सही रहे मेरे ख्याल से क्या एग्ज़ाम के एंगल में सब सही पढ़ा रहे uh, अगर कुछ और गड़बड़ है अगर लगता है कि नहीं बोर हो गए आपसे तो बता दीजिए वी कैन मेक सम चेंजेस अकॉर्डिंगली

सर्कुलर ऑर्बिट और इलेप्टिकल ऑर्बिट की हमने बात तो कर ली थी चलो हम आगे बढ़ते यस अक्सा एयर टेक्स टू द स्काईज अक्सा एयर आपको पता होगा राकेश झुंझुनवाला सर uh, जो है uh, बड़े फेमस शेयर मार्केट के uh, उनको बुल कहा जाता है शेयर मार्केट का बड़ा फेमस नाम है ही स्टार्टेड इज एयरलाइंस इंडिया की नई एयरलाइंस है अक्सा एयर इसका पहला फ्लाइट uh, uh, गया मुंबई टू अहमदाबाद uh, बस उसी के लिए न्यूज कवर की गई है इंडिया का नया एयरलाइंस है इसके जो सीईओ है सीईओ विनय दुबे इसके सीईओ का नाम है विनय दुबे ये नाम याद रखेगा दिस एयरलाइन इज स्टार्टेड बाय राकेश झुंझुनवाला उन्होंने इस एयरलाइंस की शुरुआत की है इसके सीईओ विनय दुबे साहब है यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखेगा अक्सा एयर की बात करेंगे मुंबई टू अहमदाबाद का पहला फ्लाइट था दैट्स इट बाकी कुछ और देखने की आज जरूरत नहीं पड़ेगी आगे बढ़ते हैं यस गाइस नेक्स्ट न्यूज इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी प्राउड न्यूज है हमारे देश के लिए यूएस का एक शिप आया है आ, आ, मरम्मत के लिए इंडिया के पास हमारे पास आया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी और ठीक करने के लिए वो इंडिया के पास आया ये पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस का कोई नेवी का शिप उनके नेवी का शिप है शिप का नाम है चार्ल्स ड्रीव दिस शिप इज नेम्ड एज चार्ल्स ड्रीव US का नेवी शिप है हमारे लार्सन एंड टर्बो शिप यार्ड है which is in Chennai. तो ठीक करने के लिए हमारे शिप यार्ड में आया है उसे हम मरम्मत करेंगे उसको हम ठीक करेंगे ना यूएस वाले अपनी शिप हमारे पास क्यों भेज रहे हमारा एक लास्ट टाइम मीटिंग हुआ था आपको याद होगा टू प्लस टू इंडिया यूएसए टू प्लस टू मीटिंग हमारे डिफेंस मिनिस्टर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके बीच में बातचीत हुई थी कोऑर्डिनेशन को लेके एक दूसरे को मदद करने को लेके तो उनका अगर कोई शिप इंडियन ओशन में है पैसिफिक ओशन में दे नीड सम हेल्प तो वो इंडिया के पास भेज सकते हैं मरम्मत करने के लिए अगर हमारा शिप कहीं पर किसी ओशन में किसी जगह पे है और, और उसे जरूरत है मरम्मत की तो नियर बाय अगर यूएस का कोई लोकेशन होगा तो हम भी वहां जा सकते हैं तो उसी टू प्लस टू टू प्लस टू में दो मिनिस्ट्रीज आती है डिफेंस मिनिस्ट्री एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह साहब एंड जयशंकर साहब सेम वे उनके कंट्री के भी यही दो मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट किए थे ये लास्ट मीटिंग यूएस में हुई थी और तब डिसाइड किया गया था कि एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो उनकी चार्ल्स ड्रिव नाम की शिप है लार्सन एंड टर्बो के इज इन वहां पे ठीक करने के लिए आई है बस इतना एक पॉइंट याद रखिए ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूज के तरफ जाते हैं अब ये इंपॉर्टेंट है कंबाइंड मराटाइम फोर्सेस नाम का एक, एक ग्रुप है बहरीन में बहरीन बहरीन का कैपिटल किसी को पता होगा कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए so, इस इसको यूएस ने क्रिएट किया हुआ है बहरीन में हेडक्वार्टर है क्रिएटेड बाय द यूएसए कंबाइंड मराटाइम फोर्सेस 2010 में बना था और यूएसए इसका क्रिएटर है अब क्या हुआ कि इंडिया कंबाइंड मराटाइम फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रहा है इंडिया इसका इसका मेंबर नहीं बना तो 34 के 35 मेंबर्स नहीं हुए मेंबर 34 ही है इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस

चलो एक काम करता हूं मैं आपको दिखा देता हूं इनका वेबसाइट थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी बन जाएगी देखिए ये है उनका वेबसाइट थर्टी फोर नेशन नेवल पार्टनरशिप तो ये नेवी को लेके है नेवल पार्टनरशिप को लेके ठीक है सो अगेन टू प्लस टू डायलॉग्स जिसके अंदर उनकी एक यूएस की एक शिप हमारे यहां मरम्मत करने के लिए आई रिपेयर करने के लिए आई उसी टू प्लस टू डायलॉग में हमने यूएस को कहा था कि आपके कंबाइंड मराटाइम फोर्सेस के अंदर हम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है हम आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी है सो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस बट वी आर गोइंग टू वर्क विद अब देखिए कंट्रीज कौन सी कौन सी है। ये कंट्रीज के फ्लैग्स है इसमें पाकिस्तान भी आता है बाय द वे पाकिस्तान इज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस मरा टाइम फोर्सेस पाकिस्तान इसका मेंबर है ओके okay, बट uh, चलो कोई बात नहीं हम इनके कोऑपरेशन में काम करेंगे हम इनके इनके साथ मिलकर काम करेंगे uh, बहरीन में हेड क्वार्टर है बस इतना एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना और यूएस स्टार्टेड दिस कंसेप्ट यूएस ने इस कंसेप्ट की शुरुआत की हुई है दैट इज द न्यूज़ यस दैट विल बी इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू

पहली बार एक लेडी को अपॉइंट किया गया है और उनका नाम है फर्स्ट सो so, मिस फोर्टी टू में द फर्स्ट लेडी 1942 में सीएसआईआर बना 1942 में उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लेडी सीएसआईआर को लीड कर रही है शांति स्वरूप भटनागर साहब आपने नाम सुना होगा मुदलियार साहब ये दोनों साइंस के बड़े फेमस नाम थे शांति स्वरूप भटनागर साहब के नाम पे तो इंडिया में अवार्ड भी होते हैं साइंटिफिक अवार्ड इन्होंने 1942 में सीएसआईआर की शुरुआत की थी और उसी सीएसआईआर में पहली बार कोई महिला हेड बनी हुई है तो एन आ, कलाई सेल्वी इनकी बात करेंगे ये अभी तक तमिलनाडु में जो सीएसआईआर का लैब है उसकी वो हेड थी अभी पूरे सीएसआईआर की ये हेड बन गई है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जब पहली बार कोई महिला इतने पोजीशन पे पहुंचती है तो क्वेश्चन तो आएगा कि एक तमिल स्कूल से पढ़ी हुई लड़की वर्नाकुलर लैंग्वेज से पढ़ी थी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की आज इंडिया के सबसे बड़े साइंटिफिक काउंसिल और रिसर्च इंस्टीट्यूट की हेड है इंचार्ज है इससे बड़ा सक्सेस स्टोरी मेरे ख्याल से हो तो नहीं सकता तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आएंगे तो ये था एक और सक्सेस स्टोरी हमारे पास यस yes, गाइज एक और न्यूज की तरफ जाते हैं आप यहाँ पे विश्वनाथन आनंद साहब का फोटो देख रहे होंगे विश्वनाथन आनंद बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पोजीशन पे विश्वनाथन आनंद साहब का सिलेक्शन हुआ है हु इज द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पोजीशन पे रशिया के आरकेडी यस डॉर्को सॉरी डॉर्को विच ये फिलहाल हेड है एफ के एफ के प्रेसिडेंट अभी भी रीलेक्ट हो गए <coughs> इनका रीलेक्शन हुआ है ड्वारकोविच ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यस इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है उसके प्रेसिडेंट एक रशियन है और डेप्यूटी प्रेसिडेंट अभी विश्वनाथन आनंद साहब हुए हैं इंडिया के लिए एक और प्राउड मोमेंट है यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा महाबलीपुरम में हमारा चेस ओलंपियाड चल रहा है इंडियन इंडियन महिला टीम को एक शौक लगा पोलैंड के टीम ने उनको हरा दिया के देखते और लास्ट तक कैसे होगा बट राइट नाउ हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट और द डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ द एफ तो विश्वनाथन आनंद साहब इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर 1988 में वो इंडिया के पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने थे और सक्सेस अभी भी चल रहा है

हम कल के लेक्चर में और डिटेल में कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे उम्मीद करता हूं कि इन सारे अपडेट से आपकी जानकारी और बढ़ेगी और एग्जाम के लिए आपको फायदा मिलेगा सो लेट स्टार्ट विदीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यूज से शुरुआत करते हैं हमें कुछ एमसीक्यूज कवर करने बिकॉज लास्ट वीक जो भी हमने न्यूज डिस्कस की थी उसके एमसीक्यू uh, से गो थ्रू कर लेते हैं ठीक है सो एवरी इज रेडी यस तो स्टार्ट करें पहला uh, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा चलो yes, आंसर कर दीजिए लॉन्च अ पैन इंडिया ऑपरेशन अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेशन यात्री सुरक्षा 365 सस्पेक्टेड्स फाइव सस्पेक्टेड वेर एंड स्टोलन प्रॉपर्टी ऑफ पैसेंजर्स वर्थ ओवर हाउ मेनी करोड़ वाज रिकवर्ड ड्यूरिंग द ड्राइव इन जुलाई 2022 ऑपरेशन यात्री सुरक्षा यह हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया था पूरे इंडिया में सो so, बहुत सा बार ना रेलवे में सामान चोरी जाता है बड़ी कॉमन घटना होती है तो उसी के लिए ऑपरेशन यात्री सुरक्षा यह कंसेप्ट हमारे आरपीएफ द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें एक करोड़ का सामान रिकवर हुआ है ऐसा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कहना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एटीन में क्रिएट की गई थी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1872 संजय चंदर साहब फिलहाल उसके हेड है तो ऑपरेशन यात्री सुरक्षा याद रखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एक और याद है आपको ऑपरेशन मेरी सहेली ये भी रेलवे ने स्टार्ट किया था अगर कोई महिला अकेली ट्रैवल कर रही है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली ये कैंपेन भी इन्हीं के द्वारा आ, स्टार्ट किया गया था सो एक करोड़ का स्टोलन सामान ये रिकवर किया गया है ऑल ओवर द इंडिया ऐसा रेलवे का कहना है आगे बढ़ते नेक्स्ट न्यूज आपके सामने च आर द फॉलोइंग कंट्री एज इमर्ज एज द विनर ऑफ सैफ अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप इन ऑगस्ट फाइव सैफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात होती है साउथ एशिया के फुटबॉल टीम्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का चैंपियन लास्ट टाइम इंडिया बना था को हरा के आपको याद होगा अब यहां पे अंडर ट्वेंटी का चैंपियनशिप चल रहा था और इस चैंपियनशिप के अंदर भी इंडिया ने जीत हासिल की है ये मैचेस इंडिया के अंदर ही चल रही थी हमने बांग्लादेश को हरा दिया एंड वी बिकम द चैंपियन सैफ की बात करें तो दोस्तों सैफ जो है ये 1997 में क्रिएट किया गया था साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 1997 में बनाया गया इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश ढाका के अंदर है बट ये जो मैचेस ऑर्गेनाइज की गई थी ये इंडिया के अंदर ही की गई थी एंड इंडिया वन द टूर्नामेंट बाय बीटिंग बांग्लादेश हमारे गुरकीरत सिंह साहब ने हैट्रिक स्कोर कर दी चार गोल स्कोर किए और बांग्लादेश को हरा दिया तो साउथ एशिया में तो इंडिया का फुटबॉल में बोलबाला है ऐसा ही बोलबाला वर्ल्ड लेवल पे हो जाए तो और मजा आ जाएगा चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इंडियन फ्रिगेट हैजोकेर प्रोफेशनल पाव प्रोवर्स इन द पैसेफिकूरिंग द रिमपैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी रिम ऑफ अ पैसिफिक ओशन ये एक्सरसाइज दो साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती है यूएस ऑर्गेनाइज करता है हवाई आईलैंड के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्रिगेट शिप गई थी एक और बात याद रखना जब भी शिप के बारे में लिखोगे सबमरीन के बारे में लिखोगे तो हिज मत लिखना ऑलवेज यूज दिस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना ये जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना इनका फायदा आपको एसे राइटिंग में होगा इसका फायदा आपको आंसर राइटिंग में होगा तो यहां उस चीज के लिए ये पॉइंट की तरफ ध्यान रखेगा तो यस गाइस आई एस सातपुरा की बात करेंगे सो आई एस सातपुरा इज द नेम ऑफ द शिप आप लोगों ने सही कहा पर्ल हार्बर हवाई आइलैंड्स में है यूएस uh, इसको ऑर्गेनाइज करती है 27 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और बात की जाए तो ये 1971 से इसकी शुरुआत हुई 71 में जब शुरुआत हुई तो हर साल एक्सरसाइज हुआ करती थी 1974 में डिसाइड किया गया कि दो साल में एक बार इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाएगा सो दैट्स अबाउट द रिमपैक आगे बढ़ते हैं अच्छे से पढ़िए सिंपल सा न्यूज़ है आपको आंसर आता ही होगा इन एन एफर्ट टू सॉरी इंकल्केट द कल्चर ऑफ इनोवेशन इमेजिनेशन एंडस्टर्स नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रीनरशिप एंड द स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट एंड विच ऑर्गेजेशन साइड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग एंटरप्रीनियर स्किल्स अमॉन्ग द यूथ एंड आइडेंटिफाइंग द अदर आस्पेक्ट्स ऑफ द म्यूचुअल कोलाबोरेन यस गाय चलो बता दीजिएगा इसका आंसर कि यहां पे कौन सी कंपनी है जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ टाइप किया यह आता है स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर इट कम्स अंडर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहां पे एमएसएमई मिनिस्ट्री भी मदद करती है बट इट कम्स अंडर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान सर यहां पे रहेंगे तो यहां पर कंपनी है इंडिया की हिंदुस्तान यूनिलिवर इसने टाइप किया हुआ है इसने कोलैबोरेशन किया हुआ है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सीएसआर कर रही है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके थ्रू छोटे छोटे बिजनेसमैन को मदद की जाएगी के? याद रखिएगा, संजू मेहता सर हिंदुस्तान यूनिलीवर के हेड है 1933 में ये कंपनी इंडिया में स्टार्ट हुई थी बड़ी फेमस है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है यस yes, गाइस हाउ मेनी वेटलैंड इन इंडिया वे डेजिग्नेटेड एज ए रामसार साइट मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन तो फिलहाल आ ही नहीं सकता कि इनिशियली पांच साइड्स दी थी अभी साइड बढ़ गई है और बढ़ा के हमने कर दी है दस टोटल दस साइड हमारे पास हो चुकी है 10 wetland हमारे पास 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 तो हमारा गया है 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 पे मैंने आपको भी भी कहा था कि ही के पास भी है। और maximum यूके के और so, साइन किया गया था नाइनटीन में ईरान में एक प्लेस है रामसार नाम की वहां था आउट ऑफ टेन छाइड तमिलनाडु से आती है एक गोवा की है एक कर्नाटका एक मध्य प्रदेश और एक ओडिशा से तो ऐसी दस साइड ऐड की गई इसके पहले पांच साइड ऐड की गई थी तब तीन थी हमारे तमिलनाडु से तो टोटल अभी 64 साइट्स हो चुकी है रामसार की ठीक है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन Uh, ये सारे प्लेसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा आंसर कर दीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज हैज एंगेज द सर्विस ऑफ मोबाइल इंस्पेक्शन वैन्स फॉर क्वालिटी इंस्पेक्शन ऑफ द नेशनल हाईवे थ्रू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इन फोर स्टेट्स गुजरात राजस्थान एंड कौन से और दो स्टेट्स हैं ऑन द पायलट का मतलब एक्सपेरिमेंटल बेसिस तो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा uh, ये स्टार्ट किया गया है कंसेप्ट या पर्पज यहाँ पे यही है कि uh, हमारा जो हाईवेज है उसके क्वालिटी का टेस्टिंग किया जाए और नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से वो टेस्टिंग किया जाए डिस्ट्रक्टिव तरीके का मतलब क्या होता है कि होल करके उसमें से जो हाईवे बना हुआ है उसमें से कॉम्पोनेंट निकाल के उसका टेस्टिंग होता है उस

पायलट बेसिस ये वर्ड कई बार आएगा बहुत सारी योजनाओं में बहुत सारे प्रोग्राम्स में आएगा पायलट बेसिस का मतलब होता है कि लाइक एक्सपेरिमेंटल बेसिस और पहला फेज जब होता है जब हम ट्राई करते किसी चीज़ को उसका टेस्टिंग करते उसे पायलट बेसिस कहा जाता है ध्यान रखिए नेक्स्ट

सबसे ज्यादा एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में सिंगापुर से आता है सेकंड नंबर पे यूएस है थर्ड नंबर पे मॉरिशस आती है एक जमाने में मॉरिशस फर्स्ट नंबर पे आया करती थी चलो कोई बात नहीं पर टॉप थ्री कंट्रीज में इसका नाम आता है पोर्ट लुइस इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री और इनके साथ हमारा जॉइंट ट्रेड कमेटी मीटिंग हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे बढ़ते हैं रिसेंटली फाइव ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी आई एन ए एस थ्री वन फोर बेस्ड इन द नेवल एयर एनक्लेवर पोरबंदर क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैराटाइम सर्वेलेंस मिशन इन द नॉर्थ अरेबियन सी ऑन बोर्ड ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट कौन से एयरक्राफ्ट में इंडियन नेवी की पांच महिला ऑफिसर्स ने सर्वेलेंस मिशन कंप्लीट किया पहली बार महिलाओं ने ये मिशन कंप्लीट किया इसलिए क्वेश्चन तो यहां पे आएगा तो कौन सा प्लेन था जिसकी मदद से डॉर्नियर 228 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट की बात करते हैं इसी को अभी हिंदुस्तान 228 नाम दिया गया है सो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्रिएट करती है इसी का नाम अभी हिंदुस्तान 228 भी रखा गया है डॉर्नियर बेसिकली ये जो इसका जो कंसेप्ट uh, है या मेकेनिज्म है ये जर्मनी से लाया हुआ था पर अभी इसको कंप्लीटली इंडिया मैन्युफैक्चर करती है इंडिया प्रोड्यूस करती है तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ध्यान रखिएगा इसी में बैठ के हमारी पांच ऑफिसर्स कौन सी पांच ऑफिसर्स है उनके नाम भी देख लेते हैं यस गाइज इस पूरे मिशन को लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा जी ने लीड किया था तो आंचल शर्मा लेफ्टिनेंट कमांडर शी मिशन इनके अगुवाई में था इसके अलावा पायलट शिवांगी एंड गीते टैक्टिकल एंड सेंसर ऑफिसर लेफ्टिनेंट पूजा पांडा एंड द पूजा शेखावत सो पूजा पांडा एंड पूजा शेखावत और दो यहाँ पे सॉरी पायलट्स भी थे शिवांगी एंड द अपूर्वा गीते ये पाचों ने इन पांचों महिलाओं ने इस मिशन को कंप्लीट किया तो इनके नाम प्लस कौन सा प्लेन था यह भी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल द मेन बैटल टैंक अर्जुन बाय डिफेंस बाय डीआरडीओ एंड द इंडियन आर्मी एट ये कहां पे हुआ ये टेस्टिंग की गई मैंने आपको बताया था कि आ, टेस्टिंग अभी रिसेंटली की गई है आ, हमने आ, हमारे अर्जुना नाम के टैंक से आ, एंटी टैंको इट वॉज ऑर्गेनाइज इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम का प्लेस है वहां पे डी आर डी ओ की रेंज है वहीं पे इसे टेस्ट फायर किया गया तो थोड़ा ध्यान रखिएगा बिकॉज महाराष्ट्र का अहमदनगर का रेंज कई बार न्यूज में नहीं आता कई बार न्यूज में हम ओडिशा की बात करते करते हैं हैं हम कई बार बार तमिलनाडु या फिर नीचे केरला के की बात इस नेम ऑफ द टैंक विच ऑफ दंपनियामेंट विदराइल इनोवेशन अथॉरिटी द पब्लिक फंडेड एजेंसी ओवर सिंग द कंट्रीज इनोवेशन पॉलिसी फॉर द कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी नाउंड इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ किसका टाइप हुआ अथॉरिटी ये इस इंडियन कंपनी के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करेगी इंडिया की बड़ी फेमस कंपनी है काफी ज्यादा चर्चा में चलती है काफी बार न्यूज में चलती है तो इज़राइल इनोवेशन अथॉरिटी ये अदानी uh, इंडस्ट्रीज़ को मदद करेंगे अदानी इंटरप्राइज़ को मदद करेंगे उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के रिसर्च डेवलपमेंट के लिए इनोवेशन के लिए यस, इज़राइल इंडिया की बड़ी अच्छी दोस्त है जेरूशलम इज़ द कैपिटल शैकल इज़ द करेंसी ऑफ दिस कंट्री और उन्हीं के द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया है आगे बढ़ते हैं, बी आई रिसर्च का एक रिपोर्ट आता है जिस रिपोर्ट का नाम है इको रैप इको रैप इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कहा जाएगा बजट में लिखा गया था 6.4 परसेंट विल बी द डेफिसिट ऑफ इंडिया फिस्कल डेफिसिट का मतलब है कि हमारे एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं पर हमारा इनकम या हमारे जो रिसिप्ट है वो रिसिप्ट कम हो रहे हैं तो कितना कहां तक जाएगा तो पॉइंट वन परसेंट का इजाफा हो रहा है सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट तक हमारा फिजिकल डेफिसिट जाएगा ऐसा मेंशन किया गया है एसबीआई का रिसर्च है इको रैप द्वारा दिनेश खारा सर एसबीआई के हेड है इंचार्ज है ध्यान रखिए यस yes, गाइस और न्यूज एक और डिफेंस ओरिएंटेड As a part of India's Navy's long range uh, deployment in the southeastern India, which ship is on the visit to port? Uh तांजुंग, बेनोआ बाली ये शिप एक्चुअली आगे ऑस्ट्रेलिया तक जाने वाली है हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है तो फिलहाल बाली में इस शिप ने थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लिया सो तो आईएनएस सुमेधा की बात करेंगे तो आईएनएस सुमेधा दिस शिप इज गोइंग टूवर्ड्स द ऑस्ट्रेलिया ये भी क्या याद रखेगा आगे बढ़ते हैं। yes, किया गया साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसमें और भी कुछ चीजें थी मॉनेटरी पॉलिसी की जो आज के फाइनेंशियल समाचार में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि देर आर थिंग्स ऑल्सो बट विल डिस्कस दो इन अवर फाइनेंशियल समाचार सेशन जो साढ़े बजे रहेगा उसे अटेंड करना मत भूलिएगा तो रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया 50 बेसिस पॉइंट मींस 0.5 परसेंट से इसे बढ़ा दिया नाउ इट बिकम 5.40 रेपो रेट द रेट एट विच बैंक्स बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई रेपो रेट का मतलब है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से लोन लेती है शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन वन ईयर के लिए उसे रेपो रेट कहते हैं तो रेपो रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया पॉइंट से याद रखिए ठीक है Yes guys, आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा वाटर अवार्ड के नॉमिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं? Uh, अवार्ड्स बाद में अनाउंस किए जाएंगे पर कौन से नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड के नॉमिनेशन स्टार्ट हुए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जहां गवर्नमेंट के सारे अवार्ड्स की जानकारी मिलती है नॉमिनेशंस भी वही पे फाइल कर सकते हैं फोर्थ नंबर का थर्ड नंबर का जब नेशनल वाटर अवार्ड हुआ था तो अवार्ड कौन से स्टेट को मिला था मुझे स्टेट का नाम बता दीजिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्टेट डिस्ट्रिक्ट ग्राम पंचायत म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन एनजीओ कंपनीज सबको नेशनल वाटर अवार्ड दिए जाते हैं तो लास्ट टाइम थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड कौन से स्टेट को मिला था यस गाइज कोई नाम बताएगा मुझे एनी वन ऑफ यू किसी को याद है यूपी यूपी वाज लीडिंग यस उत्तर प्रदेश की बात करेंगे यस yes, यूपी uh, सबसे टॉप में चल रहा था यूपी वाज एट द टॉप ओके नेशनल वाटर अवार्ड में यूपी सबसे टॉप में चल रहा था चलो कोई बात नहीं आ, मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं रुक जाता हूँ ठीक है मुझे इसका आंसर कर दीजिएगा

यहाँ पे आंसर है नीति आयोग नीति आयोग ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था रिगार्डिंग दी गवर्निंग uh, काउंसिल जिसकी मैं बात कर रहा था कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कशन किया मैंने आपको बताया भी था कि मोदी साहब ने इस मीटिंग को लीड किया सारे स्टेट्स के सीएम भी यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड यस गाइस रुक जाते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि आप कल से सेशन्स को रेगुलरली आओगे अगर इनकेस नहीं तो ये लास्ट वीक समझ लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से कुछ चेंजेस कर लेंगे विल मेक सम चेंजेस बिकॉज कैंट टीच लाइक दैट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वी वी शुड मेक सम चेंजेस ओके सो डोंट टेक इट इन डिफरेंट वे बस आप ही के सिलेक्शन की सारी जद्दोजहद ज़्द होती है आप ही के सिलेक्शन का सारा फोकस होता है सो uh, यस so yes, देखते हैं कल कल वापस आएंगे कल वापस आपसे आप बात करेंगे वैसे आज फाइनेंशियल समाचार का भी सेशन है तब भी आपसे मुलाकात होगी यस गाइज बाय बाय टेक केयर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा